तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम करेंगे इस पैनल को रिपेयर। देख सकते हैं आप इस पैनल को। पहले मैं इसके एडाप्टर को अलग कर देता हूँ। अब देख सकते हैं आप इसको, इसके पीछे कुछ नट लगे हुए हैं और ये है इसका एडाप्टर। इस एडाप्टर को साइड में रखता हूँ और इन चारों नट्स को मैं खोल लेता हूँ। मैंने इन नट्स को खोल लिया और अभी मैं इनके स्प्रिंग्स हैं जो, उनको साइड में निकाल दूंगा। देख सकते हैं इस तरह से इन स्प्रिंग्स को आप निकाल सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये पैनल खुल जाएगा। तो इसमें एक हार्ड वाइट कलर की शीट होती है और इसमें अंदर भी दो वोल्ट लगे हुए हैं, उनको भी हम खोल लेते हैं। तो मैंने इन नट्स को खोल लिया है, आप देख सकते हैं। और इस तरह का एक वाइट पेपर है इसमें और इन दो नट्स को भी मैं खोल लेता हूँ। तो इनको भी मैंने खोल लिया है। तो अभी मैं इन दोनों वायर्स को अनशोल्डरिंग कर लूँगा। तो देखिए, मैंने अनशोल्डरिंग कर ली और इस तरह की एलईडी प्लेट हमारे हाथ में आ चुकी है। तो अभी इसको साइड में रखते हैं और एडाप्टर को देखते हैं। एडाप्टर में जो वायर लगी हुई है उसको भी हम हटा लेंगे। पहले तो इसको खोल लेते हैं और इसमें जो वायर लगी हुई है इसको हम शोल्डरिंग के द्वारा अलग कर लेंगे, नहीं तो आप काट सकते हैं। और अब मैं इनको अलग कर लेता हूँ इस तरह से और ये अलग हो चुकी है। अभी इसको साइड में रख देंगे। तो अभी हमारे काम में आने वाली है इस तरह की एलईडी लाइट। तो ये एलईडी लाइट की स्टिक्स होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको तीन तीन में काट लेंगे। यहाँ पर मार्क्स बने हुए हैं और इस तरह से एक कार्डबोर्ड की शीट पर लगा लेंगे। मैंने इस कार्डबोर्ड की शीट को उसके बराबर ही काटा है, इस पुरानी वाली एलईडी के। तो अभी हम इसको शोल्डरिंग कर लेंगे। अब देख सकते हैं इसके बिल्कुल अच्छी तरह से फिट आ जाएगा और प्लस माइनस से हम इसको शोल्डरिंग कर लेंगे पैरलर में। तो पहले मैं शोल्डरिंग करके लेकर आता हूँ। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारी शोल्डरिंग हो जाएगी और इस तरह से ये पैनल के बॉडी के अंदर लग जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ जोड़ दिया है। चाहे तो आप इनको बिना कट किए ही लगा सकते हैं, पर मैंने कट कर कर लगाया है जिससे रोशनी है जो इक्वल रहेगी। और हम क्या करेंगे, जो एडाप्टर में लगी हुई वायर थी उसको हम इस पैनल में लगा देंगे। हमने प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ लगा देना है। अब इनमें से किसी पर भी लगा दें क्योंकि ये पैरेलल पर लगा हुआ है और वोल्टेज सबको बराबर ही मिलेगी। और मैंने शोल्डरिंग कर ली और इसके पीछे के जो बोल्ट थे उनको भी कस दिया। और देख सकते हैं आपकी जो एलईडी स्ट्रिप्स होंगी उस पर ज़रूर और प्लस और माइनस का इंडिकेट किया होगा, पर इसमें नहीं किया गया है। तो मैंने चेक कर लगा दिया और मैं एक बार आपको चेक कराने के लिए 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का एडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है, आपको अच्छी लाइटिंग प्रोवाइड करेगा। देख सकते हैं जितनी ज़्यादा एलईडी स्ट्रिप्स लगाएंगे आप उतनी ही ज़्यादा इसकी रोशनी होगी। अब हम इसको बंद करके इसके ऊपर जो बॉडी है इसकी बाकी बची हुई उसको लगा देंगे। अगर आपका इसी तरह से ये फिट बैठ जाता है और निकलेगा नहीं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डबल टेप की मदद से इसको चिपका सकते हैं। अभी हम इसकी बॉडी को इसके ऊपर लगा देंगे। तो देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फिट आ जाएगा और इसके हम चारों बोल्ट्स को कस लेंगे। मैंने कस लिया और आप देख सकते हैं वैसे का वैसा ही हो गया है।
तो अभी हम इसके ऊपर पहले जो स्प्रिंग उतारे थे उनको अच्छी तरह से लगा देंगे, वो फिर से वर्क करें। दूसरा वाला भी मैंने लगा दिया, तो अभी हम इसको चलाकर देखते हैं। हमारा पैनल वर्क कर रहा है और अच्छे से आपको रोशनी देगा और ये काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी रोशनी बढ़ रही है, मेरे में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी अगर आप इन पैनल्स को लगाएंगे दूसरे वाले की जगह। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।